तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। हिंदी व्याकरण का ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे जो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फटाफट जो है कुछ उदाहरण के साथ जो है देखते चलते हैं। जे देखी वीडियो लाइक ना करी नू ओकरा उठा में काट गड़ जाई। चलिए ध्यान दीजिए, पर्यायवाची का अर्थ होता है जैसे एक ही व्यक्ति का कई नाम होता है, ठीक है, तो इसमें भी एक शब्द के लिए हम लोग कई शब्द का जो है प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अग्नि है, अग्नि के लिए आग शब्द का भी प्रयोग करते हैं। पावक, अनल जो ज्यादा जो है प्रचलित शब्द है, ठीक है, तो ऐसा ही बहुत सारा जो है शब्द होगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम लिखा देते हैं क्योंकि एग्जाम वगैरह में पूछता है। इसका चाहे तो हम लोग जो है परिभाषा दे सकते हैं कैसे, कई शब्दों का है, शांत रहो, कई शब्दों का अर्थ, कई शब्दों का अर्थ समान होता है, कई शब्दों का अर्थ समान होता है तो वह पर्यायवाची शब्द कहलाता है, पर्यायवाची शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है कि कहलाती है, पर्यायवाची शब्द कहलाता है। अब यही में जैसे अरविंदवा है, मान लो कि एक घर पर कहता होगा कोनो टिहुकना ना चिहुकना है पोटा हा नेटा हा जो भी हो, मतलब एक एक व्यक्ति को कई को जो है ना नाम हो जाता है ना, तो पर्यायवाची हो गया। अब लड़किए में है तब कोनो के भोग जोगनी ना है, कुछो कुछो देहाती नाम रहता है। चलिए जैसे कि अग्नि है, शांत रहो, अग्नि रात होके वाला बात जल्दी जल्दी पढ़ ला, हम तो पढ़ाते बने। अग्नि, अग्नि को हम आग कह सकते हैं, पावक, अनल, ज्वाला भी कह सकते हैं, इतना काफी है। दहन माने भी आग होता है, असुर, ससुर ना सुनिए लोगों, असुर, असुर के मतलब वो कहले दानव, दानुज भी कहा जाता है इसको, राक्षस भी कहते हैं, निशाचर भी कहते हैं, और भी नाम दे सकते हैं, अमृत, अमृत, अमृत को जो है पीयूष भी कहा कहते हैं, सुधा भी कहा जाता है, सब दूध के कंपनी के नाम बा ना, सूर भोग भी कहा जाता है क्या, अमीय भी कहते हैं, चलो तो लाल चलो तो हमें वीडियो रिकॉर्डिंग, हाँ दौड़ा था देखो। अश्व का मतलब घोड़ा, तुरंग भी होता है ना, तुरंग भी होता है, और है तेरी तुरंग, तुरंग भी होता है, और क्या क्या होता है बताओ साहब, घोटक भी होता है, इतना याद रखिएगा। अंधा, जेकरा देवे के पड़ी कंधा, नेत्रहीन, सूरदास,
चक्षुविहीन, चक्षुविहीन जेकरा आंख ना आई ओकरा के चक्षुविहीन भी कहल जाले। अंग, अंग का भाग भी होता है, हिस्सा भी होता है, अंश होता है, अवयव होता है। अपमान, अनादर, अनादर होता है अपमान का। तिरस्कार होता है। बेइज्जती, अंधकार, अंधकार का होता है अंधेरा, तिमिर, तिमिर, अंधियारा, अंधियारा, अतिथि जेकर ना आवे के तय होके तिथि ओकरा के कथी कहल जाले, पाहुन, मेहमान। हाँ कहिया ना पहुना खैबा हुना। आगंतुक, आगंतुक नोट करो जल्दी। चलिए उपवन का बताइए। उपवन बगीचा, उपवन का क्या होगा? बगीचा, बाग और उद्यान, वाटिका। अशोक वाटिका का नाम सुना है सब ना? बताइए उत्पत्ति, उत्पत्ति माने क्या होता है? जन्म लेना, उद्भव होना या कुछ नया उत्पत्ति होना? उद्भव, जन्म, आविर्भाव। जनन, ओस, ओस का बताइए। ओस का क्या होगा? कोस, हाथ, तुषार, हिमकण, कुत्ता। कुत्ता का क्या होगा? श्वान, कुकुर, कुकुर, सुनक भी होता है। हाथ का बताइए क्या क्या होता है? कर, पानी, अरे नानी, हस्त, बाहु, सहस्त्रा बाहु, भुज। कपड़ा, वस्त्र, कपड़ा का वस्त्र, चीर, रहने देगा, ठीक है, होइए गया, होइए गया। पट भी हो जाएगा, वसन भी हो जाएगा, कमल, कमल का अंबुज,
जलज, पंकज, अरविंद, गंगा, देवनदी, सुरसरी, सुरसरित, भागीरथी, ऐ भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी, रहने दे, जंगल, वन, कानन, अरनय, बिपिन। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बस आप लोग खाली वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिए अच्छा सा प्यारा सा। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।